जेलर साहब, जादूगर जोजो मुझे बता रहे थे कि गांव के लोगों की जेल में कितने अच्छे संस्कार होते हैं। जेल में ना सलाखे हैं, ना कोई चेन से बंधा होता है, सब आजाद होते हैं। ये अपने संस्कारी कैदियों पर भरोसा करते हैं और कोई कैदी इनका भरोसा नहीं तोड़ता। सक्सेस रेट 98.72%। अगर हम हमारे कुछ कैदी इनके जेल में भर्ती कर दें, तो सोचिए उनमें कितने नए संस्कार आएंगे। मेरा प्रमोशन होगा क्या? हाँ, कोशिश तो कर ही सकते हैं। ये हुई ना बात, ये हमें खुला छोड़ देंगे और हम उसका फायदा उठाएंगे। मैंने सुना है यहाँ पत्थर नहीं तोड़ने पड़ते। हाँ, लेकिन तुम चिंता मत करना, मैं कुछ करता हूँ। बेटी, तुम्हारे लिए नए नौकर लाया हूँ मैं। यस यस, मुझे लगा मेरे प्लैनेट वापस जा रहे हैं। लंबा रास्ता है तो शायद खाना खाने रुके हैं। तो ये नए नौकर अच्छे तो हैं ना? 11 मन नौकर नहीं हो एक डाल्टन हो, कोई शक? बातें कम और काम ज्यादा, समझ में आया या नहीं तुम्हें? भैया, काम करते करते कटला। क्या कोई हम अंधों को रास्ता दिखाएगा कशक? शायद रास्ता इतना लंबा है कि आज की रात यहीं गुजारनी पड़ेगी मुझे। चलो। ये कपड़ा तो बहुत ही कड़क है, ये ऐसे नहीं फटने वाला। तो इसको नरम कैसे करें? हाँ, इससे चबाना होगा। टेस्ट तो अच्छा है जो, थोड़ा कपड़ा पार्सल कर ले, आगे काम आएगा केचप के साथ। ये अब जाके खुला है, इसके अंदर छुप के चला। तुम सब मेरे बिना क्यों जा रहे हो? इन लोमड़ियों की चाल कुछ अलग नहीं लग रही। पहले सब नाश्ता करेंगे फिर हम निकलेंगे, ठीक है? ये लो, इन्हें अब पालतू जानवर बना लो। लेकिन अब गांव में सिर्फ एक ही बचा है और वो बहुत खतरनाक हो गया है। हम वो भैंस ले आते हैं, आप निश्चिंत होकर रिलैक्स हो जाइए। यही रुको, देखो और कुछ सीखो। घनचक्रो, जल्दी करो वरना हमारी बस मिस हो जाएगी। आपको लगता है ये जिंदा वापस आएंगे? ये पूरा गांव आज
आज रात तक रिनोवेट हो जाना चाहिए, समझे तुम? बस बहुत हुआ, हम हमारे जेल वापस जा रहे हैं। मुझे पत्थर भी तोड़ दे हैं, लेकिन उससे पहले आकर रिनोवेशन कर लेते हैं ना। गुड न्यूज़, यही रहोगे। अभी अभी मुझे जेलर साहब ने कहा है कि तुम्हारा सेल किसी और को दे दिया गया है। अच्छी बात है। इतना सारा काम मैंने अपनी लाइफ की जिंदगी में कभी नहीं किया। हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? बाहर निकलो। तुम चारों ने मिलकर मेरा रूम एकदम साफ कर दिया है, जिसकी मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है। मुझे गंदगी में रहना पसंद है, इसलिए मैं अपना काम खुद करूंगी। निकल जाओ। दरवाजा खोलो, इससे पहले कि वो अपना फैसला बदल दे। वाह, हमारा पुराना वाला सेल, कोई शक नहीं। वही बॉल और वही चेन। मेरा एक सवाल है, हम वहाँ से जब भाग ही गए तो यहाँ क्यों आ गए? और सवाल है क्या? चलो सो जाओ चुपचाप। अगर नए मेहमान के स्वागत के लिए आप यहाँ रहती तो मुझे अच्छा लगता। याहू, हम आजाद हो गए। हेलो मैडम जी, निकल यहाँ से। जेल साहब नमस्ते, मैं हूँ ब्रेन स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्यारे लाल। डॉक्टर यहाँ अपनी नई दवाई पर काम करने आए हैं, जो इंसान के अंदर के अपराधी को मिटा सकेगी। ये क्या बकवास है? ये कोई बकवास नहीं है, समझे? मेरे रिसर्च ने ये साबित कर दिया है कि नेचुरल एनिमल पल्सेस को बदला जा सकता है। सब दिमाग का खेल है। डॉक्टर, आपकी तबीयत तो ठीक है? मेरे रिसर्च के दौरान मुझे एक इन्फेक्शन हो गया था। लेकिन अब ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं हैं। इंसानी दिमाग के इस हिस्से में बहुत ज्यादा गड़बड़ होती है। छोटे दिमाग से लेकर बड़े दिमाग तक। मेरे प्लेनेट वाले मुझे लेने कब आएंगे मुझे पता ही नहीं, मैं उनका वेट कर रहा हूँ। इसीलिए मैंने खुद ही एक दवाई बनाने का डिसीजन ले लिया। इस दवाई की एक ही बूंद एक बिगड़े दिमाग को ठीक करने के लिए काफी है। क्या सिर्फ एक बूंद? आ गया मस्त वाला आइडिया। हम दवाई चुरा के उसकी एक बूंद सबको पिलाएंगे, सब जंगली जानवर बन जाएंगे और हम यहाँ से छुमंतर। किसी को भी डॉक्टर साहब की लाजवाब दवाई टेस्ट करनी है तो एक स्टेप आगे आए। अरे मुझे टेस्ट करनी है, नमक वगैरह तो ठीक है ना? बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे गौचू। साथ में दूध लोगे या पानी? एक बार यहाँ से बाहर निकल जाओ तो तुम्हें देख लूंगा मैं, टिंगू चन। तुम बहुत अच्छे हो जो टिंगू चन नहीं हो। ये मैं क्या बोल रहा हूँ? दोस्त थोड़ा हल्का हो गया है, मैं इसमें कुछ मिक्स कर देता हूँ। चलो जो भी हुआ उसे भूल जाते हैं और गले मिलो। दिमाग खराब हो गया क्या? दवाई काम कर गई। बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था। दवाई सबको दे दो और सबसे पहले दो जो को। चलो अब तुम अत्यंत अच्छे बच्चे बन जाओ जो, आ जाओ। डॉक्टर के बच्चे अगर मुझे छुआ तो अच्छा नहीं होगा। स्वाद से भरा, थोड़ा केचप मिल जाता तो मजा आ जाता।
मुझे अचार में नहीं बनना, 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 मुझे नहीं बनना, मुझे नहीं बनना, मुझे नहीं बनना। इसने दवाई का काफी हेवी डोज ले लिया है, अब बहुत मजा आएगा। ओ बेचारा, गुस्से को काबू में करना सीख मेरे भाई, गले मिलेगा। जैक विलियम, ये रस्सी खोलो जल्दी। उसके पास चाबी है। बहुत अच्छे भाई, अब चाबियां मुझे दे दो। तुमने कुछ बोला क्या ठेंगो चंद? मेरे प्लेनेट वाले लोग तो ऐसे नहीं दिखते हैं। ये तो जेल का नुकसान कर रहा है। लगता है मुझे एक और दवाई बनानी पड़ेगी। हमें एवरल को पकड़ना होगा। अब आगे क्या करें मेरे भाई? प्लान भी हम धमाका करके मेन एग्जिट को उड़ा देंगे। और एवरल का क्या? उसे लेने बाद में आ जाएंगे। लगी 10 की हम ही जीतेंगे। चलो लग गए। चला जल्दी चला। हमने सब जला दिया है भाई, अब कुछ भी बाकी नहीं। बस एक आखिरी दवाई, अब ये फटे उससे पहले भागो। स्वीट ड्रीम्स डॉक्टर। मुझे सूप की खुशबू आ रही है। टेम्परेचर लिमिट क्रॉस कर गया है, धमाका होने वाला है, बहुत मजा आएगा। जैसे ही नई दवाई बन जाएगी मैं भेज दूंगा, बस सबका ध्यान रखना। हेलो मैडम। मैं कुछ मदद करूं मैडम? वाह एवरल, कितने अच्छे संस्कार हैं। ओ ये बॉम्ब तुम्हारे ऊपर फोड़ूंगा। ओ जो, ऐसे किसी पर बॉम्ब फोड़ना अच्छी बात नहीं। तो यार रोना मैं फेंक रहा हूँ, लेकिन जो ये सब क्यों कर रहा हूँ? पता नहीं मेरे प्लेनेट के लोग मुझे लेने कब आएंगे।